ओ भाई, शक्ल देख के मतलब मजाक मत उड़ाना। सुबह से धूप में खड़ा हूँ, काला हो गया हूँ, और ये हमारे काले साहब साथ में है। बहुत महंगा वाला सौदा लिया है, अभी गाड़ी से निकाला है, और अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ घर तक, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। शक्ल सुधार के थोड़ी सी फाइनली पहुँच गए बब्बू पाजी के घर, और बब्बू पाजी की टेनर मैं चलाऊँगा आज। इसका टायर फाड़ना है और नया टायर लगवाना है, बिकॉज इस बाइक का टायर का तार दिखना शुरू हो गया। तो इसका बर्नआउट मारेंगे तगड़ा सा, और फिर उसके बाद नया टायर डलवाएंगे। लॉटरी लगी है। हाय GoPro पता नहीं बर्नआउट मारने के लिए कौन सी जगह सेलेक्ट की है। अब वहीं जा रहे हैं, वहीं जाके धुएं उठाएंगे। काफ़ी ज़्यादा पावर है यार, बिकॉज मैंने एक और 10R चलाई थी और उसकी पावर इतनी नहीं थी। लोकेशन ये वाली सेलेक्ट की है, यहाँ पे करेंगे बर्नआउट, और सारे रेडी हो रहे हैं। कह रहा है कोई मैं चला के लाऊंगा, कोई कह रहा है मैं टायर पाड़ूंगा। ये वाला बंदा टायर पाड़ने की जिद कर रहा है। आज बब्बू पाजी करेंगे बिल्कुल नया मुहूर्त, बिल्कुल पैसे लगा के, ना ऑफ रेट ना कुछ, और मतलब सेकंड हैंड कोई नहीं खरीदा, बिल्कुल फुल पैसा लगाया है, बिल्कुल फ्रेश पैसे खर्चे हैं भाई, बिल्कुल फ्रेश माल लिया, फ्रेश फ्रिज में से निकाला है बिल्कुल। यो बंदा भी, यो भी फ्रिज में था, ऐसे 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 करके ये होने रात को पैदा आया था, होने चलने भी लग गया। हां मैं दौड़ के दिखाऊंगा, 2019 चल रहा है, और मैं इसकी तारे ले जाऊंगा जो अंदर अपने घर में ही होंगे। भाई साहब ये स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा धुआं दिखाऊंगा और वो पाड़ेंगे भाई साहब टायर। फाइनली टायर ब्लास्ट नहीं, बस निकलने शुरू हो गए, बब्बू पाजी लेके भाग गए, और हमारे पास टायर है ये पीछे पड़ा है, हमारे बिना किस काम के वो। कितनी भगा के ले जाओ, टायर तो हमने ही देना है। तो चलो चलते हैं और टायर बदलवाते हैं, काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया, और सबने अपनी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन वो दाढ़ी वाले बाबा है ना, लंबी दाढ़ी वाले, उनका सपना अधूरा रह गया टायर फाड़ने वाला। क्या भाई साहब सपना रह गया अधूरा, और हम जैसे जिन्हें आता नहीं था नंबर आ गया उनका। अरे अमित भाई, हाँ जी, तुम्हारा कैमरा मैंने हाईजैक कर लिया। अब कोई नहीं पाजी, आप अमित आने कर ले, हाईजैक की दिक्कत है। तो अमित भाई भी अपने, उनका कैमरा भी अपना। तो भाई अमित भाई की ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है मोटो स्टोरी इंडिया के नाम से यूट्यूब पे, ऑल्दो बहुत नया चैनल है, तो यार सब्सक्राइब करो। अमित भाई तुम बोलो यार, तुम्हारी सुनते हैं लोग। भाई अपने के फर्क पड़े यार, अगर बाय चांस अगर किसी को भाई साहब को मतलब स्टार्टिंग में प्यार की जरूरत है तो क्यों ना दे, हम खुद सब्सक्राइब करेंगे, हमारे लाडले तो जरूर करेंगे। कर दो भाई लाडले का सब्सक्राइब, लाडलो इस बड़े भाई लाडले का भी सब्सक्राइब करो, और कर दो धुआं काट देंगे। जा
जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। जैसी आप बातें कर रहे थे ना, आपसे वो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने तो भाई साहब मालिक मालिक ने कुछ करने नहीं दिया मेरे को। क्या कहना इस बात पे मालिक का? क्या हवा नहीं दिया? नहीं भाई का पूरा मौका दिया, भाई ने करा नहीं। ऐसे ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। वो जो 30 रुपए रोड पे पड़े थे, जल्दी से उबारो इसको। 10 रुपए मार दूंगा यार, 30 रुपए ज्यादा आ जाएगी वीडियो। हां तो भाई साहब दोबारा से बर्नआउट मारेगा भाई, मेरी बातों से खता खा गया। आप देखना इसका गुस्सा टायर पे निकलेगा। कैसा फील हो रहा है आपको टायर पर? बढ़िया, मैं इस टाइम सेलिब्रिटी फील हो रहा हूं। सर मैं बोल सकता हूं, मेरे को बोला नहीं भाई के लिए। तो भाई को हमारे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। इससे पहले दो चार लाइनें आएंगे वो भूल जाइए। तो देख सकते हो आप हमारे, ओह बहुत तापता है भाई, बहुत गर्म है। ओ तेरी की, ये भाई साहब ये देखो लाइन कैसे बनी हुई है। पूरा फट गया टायर, यहाँ से लाइनिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ तक है। मैकेनिक साहब हो गया सही? बढ़िया, बिल्कुल हो गया भाई साहब, आप सबूत दे रहे हैं। ये भाई मेहनती आदमी, खुद का काम खुद कर रहे। ये हमारे दो मतलब क्या करें, बिल्कुल चांद चांद जैसे भाई, इन्होंने टायर बदला है। और एक बार खोल के देखा ना कितना फटा हुआ है। ये देखो भाई, पूरा मतलब लास्ट में एकदम पूरा ब्लास्ट हो गया भाई ने, दोनों उठा दिए थे टायर। ये दोनों लाडले बोले भाई के, हमने वीडियो में ले लो मॉडल भाई। चलो भाई ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। ये भाई साहब बड़े मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जिंदा दिल इंसान है भाई साहब। थैंक यू जब से आए हैं भाई बड़ा मजा आ रहा है। पहली बार मिला और मजा आएगा। अब हम आगे जाएंगे ना साइड पे तो और मजा आएगा आपको। जब तक मैं बाइक यहाँ पे लेके आया, बब्बू पाजी आए, तो यहाँ पे लाइन लग गई भाइयों की, पूरी महफिल जम चुकी है, बट यहाँ पे जाम नहीं छलकेंगे। तो भाई साहब ये जो जिंदा दिल इंसान है, इन्होंने बब्बू पाजी ने और वो जो हमारी लंबी डाडी वाला बंदा जो जिसकी सेक्सी डाडी है, उन्होंने थोड़ा सा प्लान अलग बना दिया कि हम थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे। मैं चलाऊंगा टेनर और बब्बू पाजी बैठेंगे गड्डी च। कौन सी गड्डी में? बड़ी गड्डी में? ये भाई मैं रूफ से जाऊंगा वाली गड्डी। मैं रूफ से जाऊंगा, इस पे आएगा, मैं रूफ से जाऊंगा। तने हम पतंग की तरह पाछे गाड़ी के बंद है भाई, उड़ता चलिए ऊपर से। लो जी प्लान बन गया घूमने का, बट ये नहीं पता कहाँ घूमने जाना है। लेकिन भाइयों के साथ जाएंगे तो मजे ही करके आएंगे, कहीं जाएंगे। Go! अभी वो जो दो हमारे बंदे हैं, जिसने पाजी ने टायर फाड़ने की बात करी थी,
भाई साहब ऊपर से रॉकेट सा निकल गया और पता भी नहीं लगा कि कैसे चले गए वो। और मैं तो भाई साहब गड्डी के साथ ही रहूँगा, वो तो पूरी हवाई जहाज बना रहे हैं। काश मैं राइडिंग गियर लिया था तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता। राइडिंग गियर में पता है क्या होता है, एक फील आती है यार, जैसे गाड़ी चला रहे हो विदाउट एयर बैग वगैरह की, तो और एक गाड़ी चला रहे हो आप एयर बैग वाली, उसमें थोड़ा सा फील आता है यार, मतलब कि सेफ्टी वाली फीलिंग आती है। और बिना राइडिंग गियर वही होता है, फील नहीं आती, मज़ा नहीं आता, डर लगता है, ज़्यादा डर लगता है। देखो बहुत से लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं, भैया उससे मिलो उससे मिलो उससे मिलो। देखो तुम्हारा लाडला है ना, उसी से मिलता है जिसे लाड प्यार होता है, ठीक है। सो इसलिए हम किसी के साथ नहीं जाते, सिर्फ उन्हीं के साथ जाते हैं जो हमें प्यार करते हैं और उनसे हम प्यार करते हैं। जैसे अमित है मेरी जान है, भाई है मेरा, कोई यूट्यूबर नहीं मानता, मैं उसको मेरा भाई मानता हूँ, उसके बाद यूट्यूबर है, पहले मेरा भाई है। जैसे बब्बू पाजी हो गए, भाई है, फिर उसके बाद यूट्यूबर है। और मैं तो यार उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ बब्बू भाई से, जब से भाई का चैनल भी नहीं था। अब इन भूतों के पीछे भागना पड़ेगा क्योंकि ये भूत जाएंगे उड़ते हुए। शक्तिमान है सारे शक्तिमान। लो भाई पहुंच गए XBHP डब्बा, लेकिन जितना मैंने 6 दिनों में घटाया था ना, वो एक दिन में कवर कर दिया बब्बू पाजी ने। क्यों, क्या हाल है पाजी? भाई सेहत का यही राज है, सेहत का यही राज है। पता है एक फील आती है, जैसे पतले लोगों को फिट देख के, मतलब फिट लोगों को देख के फिटनेस की इच्छा होती है। और अपने सारे पाजी थे हेल्दी हेल्दी है, सारा दिन का चल रहा है, उपवास करेंगे 2-3 दिन तब जाके काम चलेगा। अभी फिलहाल ये चाउमिंग वाउमिंग खा रहे हैं हम। भाई साहब थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मेरा DSLR का जो मेमोरी कार्ड है वो बिल्कुल भर चुका है, और अब विंड नॉइस या जो भी बाहर की नॉइस है वो कैंसिलेशन नहीं होगी। इस भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दे दूंगा, भाई साहब की पेंट फटी हुई है यार, ये पेंट फटी हुई है यार, थोड़े से पैसे कम है मेरे पास ना, बताओ इतना फैशन बताओ। नहीं मेरे लिए लिया, अगर पड़ता ही तो। बब्बू पाजी का चैनल है सर बब्बू संधू के नाम से, सब्सक्राइब करना। और उसका इंस्टाग्राम है बड्डी डाडी वाला बाबा। ओ भाई पीछे छोड़ दिया रास्ता, वैसे ही मुझे पता नहीं है, थोड़ा रास्ता देना अंकल जी। पकड़ लिए